अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ाहिद फ्रॉम गाड.ई.एम. ने सेंट्रो को पावर स्टीयरिंग किया, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग स्पीड सेंसर किट के साथ, वो आपको दिखाते हैं। जब ये हमारे पास गाड़ी आई थी ऐसा भी तो इस वक्त इसका स्टीयरिंग दोनों हाथों से भी नहीं घूम रहा था, बल्कि अभी हम इसको जब स्विच ऑफ करते हैं ये दोनों हाथों से भी नहीं घूमता। और इसको हमने ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग लगाया स्पीड सेंसर किट के साथ, और स्पीड सेंसर किट की हम अपनी हर वीडियो में ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका स्टीयरिंग हार्ड होता जाता है, जैसे कि जापानीज़ गाड़ी में होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कर रहे हैं स्पीड सेंसर किट के साथ, और ये आपको दिखाते हैं इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की है। और जब इसको गाड़ी को आप स्विच ऑफ करेंगे, जब ये मैनुअल पे आ रही है, तो इसका स्टीयरिंग दोनों हाथों से भी नहीं घूमेगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप देखेंगे कि इसको आप एक उंगली के साथ, ये देखें दोनों तरफ आप इसको घुमा सकते हैं एक उंगली के साथ, ये देखें। और वैसे तो इसका स्टीयरिंग दोनों हाथों से भी नहीं घूमता, और इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग लगाया स्पीड सेंसर किट के साथ। और ये भाई साहब आए हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब क्या हाल है आपके? भाई साहब आप इसके पावर स्टीयरिंग से काफ़ी परेशान थे पहले। मैं सेटिस्फाइड हूँ जी। और अब आपने इसको पावर स्टीयरिंग किया, इसको आपने चला के चेक भी किया है, बताएं पहले की नस्बत आपको कैसा फील हो रहा है ये? ज़बरदस्त। क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि आप पहले बड़ी गाड़ी चला रहे हैं उस पर, आप छोटी जब आप ये चलाते हैं तो मुश्किल थी जी। अब बहुत आपको ना वो एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, आपने मसल वगैरह उसको करवाना पड़ता था आप। लेकिन ज़बरदस्त है जी आज इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने इसको जापानी लगाया और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गारंटी वाला काम होता है हमारा जी। जज़ाकअल्लाह। आप हमारे काम से थोड़ा सा मुतमिन है जी? चलें जज़ाकअल्लाह जी। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट करें ज़ाडेगार.पीके, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ज़ाडेगार.पीके। अल्लाह हाफ़िज़।